मैं टैक्सी के पर हाथ रखकर अपना दायां बायां हाथ खड़ी हुई थी। उसके बाद दोनों लेडीज़ निकली मेरे सामने, ड्राइवर को भाड़ा किराया दिया। मैंने खुद आँखों से देखते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे आँखों के सामने टैक्सी बम ब्लास्ट हो गई कि वो दोनों औरतें मेरे सामने चिथड़ा हो गईं और वो ड्राइवर चिथड़ा हो गया और मैं काफ़ी दूर 20 फुट के आगे जाके गिरी। जितना उसका बम ब्लास्ट का छर्रा था वो मेरे पूरे शरीर में घुस गया। काफ़ी मेरे बाएं पैर में काफ़ी मार लगा और दाएं पैर में भी काफ़ी ज़ख्मी हो गई मैंने, और बम ब्लास्ट का छर्रा जो था काफ़ी मेरे कमर में और बाएं पैर में अंदर नस के अंदर चला गया। पूरा नस मेरा ज़ख्मी हो गया, जिसी के कारण से मैं आज तक मैं बेड पर हूँ। हमारा घर का जो माहौल है, ये बम ब्लास्ट के कारण से मैं एक माँ हूँ। हमारी घर की जो माली हालात है और हमारी घर की पूरी बर्बादी है, हमारा घर पूरा दहस नहस हो गया है। इसके कारण ये हमारे बच्चे हैं जो काम से बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं हमारे आदमी, और 1.5 महीना काम पर नहीं हैं। हमारे बच्चों को स्कूल की बर्बादी हो गई, हमारे बच्चों को काम के नुकसान पहुंचा, हमारे शौहर को भी काम का नुकसान पहुंचा, और माली हालात बिल्कुल मेरे घर की बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये तो शायद मैं भूल नहीं पाऊंगी। जब जब मैं रात को तन्हा होती हूँ तो मैं मेरे दिमाग में है, हर वक्त बसा रहता है। ये शायद मैं तो भूल नहीं पाऊंगी कभी भी ये हादसा। ये तो आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई जात नहीं होता है। और वो तो खुद अपनी मर्ज़ी से ही आते हैं, अपने मर्ज़ी से फैसला कर लेते हैं वो। इसको ख़त्म करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, सबको एकजुट रहना होगा। जब तक एकता नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, तो आतंकवादी तो अपना कार्रवाई करते ही रहेंगे। हम और पब्लिक सब, कोई भी हिंदुस्तान, कोई भी लीडर, कोई भी अधिकारी जो भी है, तमाशाई बन के देखते रहेंगे। इसमें गरीब आदमी, गरीब घर के घराने के लोग मारे जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो जिसको थोड़ा भी लगा है और जिसको ज़्यादा लगा है, उतने ही मुआवजा, 50-50 हज़ार का मुआवजा दिया गया है। लेकिन मैं इस पे सहमत नहीं हूँ, मैं इस पे सहमत 50 हज़ार पे नहीं हूँ। अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो मुझसे 1 लाख रुपया ले लीजिए और मेरा पैर लौटा दीजिए, प्लीज़।